ये आधार कार्ड जमा हो रहा है, सबका आईडी बनेगा, सब सेक्टर 7 से जितनी भी सब लोग माता लोग आके यहाँ पर सब जमा कर रहा है। बहुत सुंदर आयोजन करा रहा है। देव सभी सेट मतलब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं शिव पुराण शिव महापुराण की। सभी लोग अपना जोर जोर शोर से अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है भिलाई छत्तीसगढ़ वालों के लिए कि स्वयं शिव जी हम सावन के महीने में हमको दर्शन देने आ रहे हैं। इतना फलदायी होता है तो शिव महापुराण कथा जो भी है सावन के महीने में सुनने से 100 गुना फलदायी होगी। तो कराया जाता था इस साल अभी द्वारा प्रदीप मिश्रा को बुलाया गया है भिलाई में और यहाँ पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूर्वक कार्यक्रम सफल हो, हर हर महादेव। पे पंडाल में सीसीटीवी कैमरा के लिए भी इंस्टॉलेशन के लिए बात कर लिए हैं, प्रशासन से हम लोग अनुमति भी ले लिए हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पे लोगों को कथा स्थल में पहुँचाएंगे। और स्वतः ही समाज, हिंदू समाज स्वतः ही बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है, मतलब ये प्रभु का कार्य है। इसमें सावन का महीना है, भोले शंकर का आगमन है और प्रदीप मिश्रा जी का आज सबके आधार कार्ड जमा हो रहा है, सबका आईडी बनेगा, सब सेक्टर 7 से जितनी भी सब लोग माता लोग आके यहाँ पर सब जमा कर रहा है। बहुत सुंदर आयोजन करा रहा है दया भैया ने, बहुत अच्छा लगा हम लोग को भी सेक्टर 7 जितना भी है। हर हर महादेव सभी सेट मतलब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं शिव पुराण शिव महापुराण की। सभी लोग अपना जोर जोर शोर से अपना अपना योगदान दे रहे हैं और हैं सब लोग साथ दे रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, सब खुशी है। पहले खुशी सबका दिख रहा है, मतलब जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उस हिसाब सबका खुशी हो दिख रहा है और बाकी धीरे धीरे हो रही है तैयारियाँ शुरू। हर हर महादेव। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है भिलाई छत्तीसगढ़ वालों के लिए कि स्वयं शिव जी हम सावन के महीने में हमको दर्शन देने आ रहे हैं। कहते हैं कि सावन के महीने में अपन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो हमको शिव महापुराण के रूप में प्राप्त हुआ है। दया भैया ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, सभी सेवा भाव से अपने योगदान देने के लिए खुद से आगे आ रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ भिलाई निवासियों से एक ही निवेदन है कि दया भाव आइए और अपने खुद से सेवा दीजिए, ये हम अपने क्रम सुधारेंगे। और सेक्टर 5 से 24 तारीख को कलश यात्रा निकलने वाली है जो सुबह 10 बजे का समय दिया हुआ है। कलश सब अपने अपने घर से लेकर आइएगा और जिन्हें भी सेवा देना है अपनी आई कार्ड बनाने के लिए जयंती स्टेडियम में आई है उसके लिए एक काउंटर बना दिया गया है और जिन्हें दान दक्षिणा देना है उसके लिए भी काउंटर बना दिया गया है। वैसे कहते हैं गुप्त दान महादान। दो लाइन कहना चाहूँगी, जिन्हें हीरा चाहिए जिन्हें हीरा चाहिए वो सोने चांदी की दुकान जाइए और जिन्हें कोहिनूर ही ना चाहिए वो सावन के समय शिव महापुराण में आइए। हर हर महादेव। शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत जोर शोर से हमारा शिव महापुराण कथा का आयोजन के लिए जो अरेंजमेंट है वो चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कल आप आए थे तो यहाँ पे पंडाल भी नहीं खड़ा हुआ था और हम व्यवस्था में लगे हुए थे। आज आकार पंडाल आकार लेना चालू कर चुका है और आगे भी ये व्यवस्था बहुत अच्छे से चलती रहेगी। सावन के महीने में शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है और आप जानते हैं जैसे कि नॉर्मल समय में अगर आप पूजन करते हैं किसी भी चीज़ का, एक बेलपत्र अगर शिवलिंग में चढ़ाते हैं तो एक बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य होता है और अगर आप सावन के महीने में पूजन करते हैं महादेव का तो वो 100 गुना फलदायी होता है। तो शिव महापुराण कथा जो भी है सावन के महीने में सुनने से 100 गुना फलदायी होगी। तो उत्साह भी हमारा 100 गुना बढ़ा हुआ है और आयोजन में हम सबको ही लगे हुए हैं। आईडी कार्ड के लिए आधार कार्ड और फोटो जमा हो रही है, जैसे कि दीदी ने बताया 24 तारीख को सुबह 10 बजे गणेश मंदिर सेक्टर 5 से हमारा कलश यात्रा का निकलना होगा और आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि अपना कलश लेके आए साथ में जो भी सम्मिलित होना चाहते हैं कार्यक्रम में और पीली साड़ी पहन के आए। सभी का स्वागत है। सब यहाँ पे आईडी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आईडी का सब छटाई उटाई चल रही है। हर हर महादेव। हम लोग अपने तरफ से ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम बनाने की तैयारी में है, आप लोग सब आइए बोलबम समिति की तरफ से। बोलबम हर हर महादेव। हर साल दया सिंह भैया द्वारा सावन के पर्व में हर मंदिर में रुद्राभिषेक कराया जाता था, इस साल दया भैया द्वारा प्रदीप मिश्रा को बुलाया गया है भिलाई में और यहाँ पर भव्य
आयोजन किया जा रहा है। आप सब लोग को आमंत्रित है, सारी भिलाई की जनता और जो भी बाहर हैं सब आए और इस कार्यक्रम को बहुत बहुत आनंद से सफल बनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बाबा देवाधिदेव महादेव की जय। आज हमारे बड़े भैया श्री माननीय दया सिंह जी तुभ्यम, आज हमारे यहाँ जो कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक गुरुजी महाराज प्रदीप मिश्रा के द्वारा हमारे यहाँ सावन के पावन अवसर पर 25 से 31 के बीच में आज उसकी तैयारी के आरंभ में है। हम सभी माता बहनें भाई जुड़कर सेवा की तैयारी में लगे हैं ताकि बाहर से जो भक्तगण पधारें कृपया करके उन्हें असुविधा का सामना ना करना पड़े और यह कार्यक्रम भव्य पूर्वक शांति पूर्वक कार्यक्रम सफल हो। हर हर महादेव। हमारे पास शासन प्रशासन से जानकारी मांगी गई है तो हमने भी शासन प्रशासन को बकायदा लिखित रूप में जानकारी दे दी है कि चाहे सुरक्षा की बात हो या सफाई की बात हो या फिर जो डेली के क्रियाकलाप होते हैं यहाँ पे जो भक्तगण आएंगे, क्योंकि देश प्रदेश से यहाँ पे भक्तगण आने वाले हैं, वो कथा स्थल में 2 से 3 दिन पहले ही पहुँच जाएंगे जो कि हमें आज तक जानकारी मिली है। अब उनके रुकने खाने पीने, उनके शौचालय से संबंधित और उनकी सुरक्षा से संबंधित हम हर एक व्यवस्था को चरम सीमा तक कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज हम यहाँ पे पंडाल में CCTV कैमरा के लिए भी इंस्टॉलेशन के लिए बात कर लिए हैं, प्रशासन से हमने अनुमति भी ले लिए हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पे लोगों को कथा स्थल में पहुँचाएंगे। पहुँचाने के साथ में उन्हें कथा स्थल में पूर्ण रूप से अच्छे से श्रवण भी कराएंगे, उनको भोग प्रसाद का वितरण भी करेंगे, साथ में भोजन की भी व्यवस्था रहेगी प्रसाद के रूप में, भंडारा चलेगा यहाँ पे और हमारे इतने सहयोगी यहाँ पे बढ़कर आ रहे हैं कि क्या बताएं। समय कम है मगर लोग इतना बढ़कर आ रहे हैं कि ये आयोजन बहुत अच्छे से होने वाला है। सावन का शुभ महीना है और इसमें शिव महापुराण वो भी श्रीमद अपने गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से यहाँ पे होने वाला है और सब लोग बहुत ही हर्ष के साथ उल्लास के साथ खुश हैं और सबका बहुत बड़ा खुशी से उत्साह बना हुआ है और बढ़कर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन ने जो भी प्रोटोकॉल जारी किया है उसका पालन करने की पूरी जिम्मेदारी समिति के ऊपर में है और कोशिश पूरी है कि हम उसमें खरे उतरे। रही बात हाथरस की घटना, ये कोई घटना है और कोई ऐसा नहीं है कि प्री प्लान था या कुछ भी ऐसा था, ये एक घटना हो जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर भक्तगण आ रहे हैं उनकी सारी व्यवस्था सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और स्वतः ही समाज हिंदू समाज स्वतः ही बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है। मतलब ये प्रभु का कार्य है, इसमें किसी प्रकार से कोई अनहोनी होने की संभावना है ही नहीं और कुल मिलाकर के प्रशासन हमको सहयोग करे। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप जो भी प्रोटोकॉल हम सब जारी कर रहे हैं हम उसका पालन करेंगे, लेकिन हमको साथ में ये नहीं कि आप स्वतंत्र हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपना पूरा जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग हमें अपेक्षित है। आप हमें पूरा सहयोग करिए क्योंकि ये कार्य मेरे घर का नहीं है या दया भाई के घर का नहीं है, ये कार्य हिंदू समाज का है और ये कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें पूरे प्रदेशवासियों का कल्याण होगा ऐसा मैं मानता हूँ। जय भोले शंकर। कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का भिलाई जयंती स्टेडियम में आगमन है जिसकी तैयारी जोरों शोर से हो रही है। सभी भक्तगण आ करके अपना समय यहाँ दे। सावन का महीना है, भोले शंकर का आगमन है और प्रदीप मिश्रा जी का, सभी भक्तगण सुरक्षा स्वयं अपना देख करके रखें, सभी बजरंगी मिल करके यहाँ पर कार्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।